नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 30 जुलाई है और दिन है मंगलवार। आज खाद्य तेलों का बाजार जो कल की गिरावट थी उससे कुछ संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अंदर सोया तेल, सोयाबीन, इवन सोया मील भी जो है वो कोई अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के केएलसी के अंदर थोड़ा सा हल्का सा सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा बाजार पॉजिटिव खुला है, लेकिन देखने की बात यह है कि ये बाजार पॉजिटिव कितनी देर रह सकता है। लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय इसको पॉजिटिव रहेगा। अगर सारा दिन पॉजिटिव रहता है, दिन भर पॉजिटिव ही बनी रहती है, तो बाजार सरसों का तेल, सरसों, सोयाबीन और सोया तेल, इनके अंदर थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल सकता है या बाजार स्टेबल रह सकता है। कल भरतपुर मंडी का भाव 5656 खुला था, बाद में शाम को 5625 रह गया। आज भी बाजार इसी के आसपास रहने की संभावना है, 5-10 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा की संभावना नहीं लगती है। सरसों तेल को भी कुछ ज़्यादा सहारा मिलता हुआ दिखाई नहीं देता है। वैसे तो पूरी जो तेल इंडस्ट्री है हमारी भारतीय, जो घरेलू तेल उद्योग है या तिलहन उद्योग है या तिलहनी फसलों का जो मामला है वो बहुत खतरे में है, बहुत कमज़ोर होता जा रहा है, इंडस्ट्री बहुत खतरे में है। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद रखनी चाहिए। आज बाजार जो है थोड़ा सा कोई पॉजिटिव रह सकता है या बाजार स्टेबल हो सकता है। देखते हैं दोपहर में 1 बजे के आसपास बाजार किस तरह से खुलता है और किस तरह से कारोबार करता है। कुछ जो खास अपडेट होगी तो दोपहर 1 बजे की वीडियो में आपसे जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।